रद्द होगी क्या? जांच होगी, लीक हुई है सही पाया जाएगा तो रद्द होगी। बीएसएससी सीजीएल 3 की कल दो पालियों में परीक्षा हो रही थी, दोनों पालियों का प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, तो वहीं इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी अधिकारी संलिप्त है उन पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर देना चाहिए। तो वहीं जिसको लेकर हमने बात किया है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से, चंद्रशेखर ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से धांधली हुई है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री है, वो सुने आप। बीएससी से जांच होगी, कार्रवाई होगी, मगध विश्वविद्यालय, ये जो मगध विश्वविद्यालय का या अन्य विश्वविद्यालय के परीक्षाओं का या छात्रों का जो समस्या है, आपको इतना पता होना चाहिए माननीय प्रिंट मीडिया के लोगों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, ये स्वायत्तता है विश्वविद्यालय को और कुलाधिपति से वो सीधे सीधे संचालित होते हैं। तुलनों से भी सवाल करना चाहिए, सरकार लगी हुई है, जांच होगी, लीक हुई है सही पाया जाएगा तो रद्द होगी। छात्र यहाँ पर खड़े हैं सर, कुछ मांग को लेकर खड़े हैं सर, लीक कैसे हो गई? जो छात्रों की समस्या है वो विश्वविद्यालय के मामले में सीधे सीधी स्वायत्तता है विश्वविद्यालय को, वो सरकार से संचालित नहीं होता है। सरकार कामधेनु के रूप में सिर्फ रुपया देने का काम करती है, प्रशासनिक मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है, पत्राचार करते हैं। हम लोग कमेटी बनाए हैं छात्र नियमित सत्र करने के लिए, 9 सदस्यीय कमेटी है, प्रतिवेदन आएगा माननीय कुलाधिपति महोदय के संज्ञान में, उसको दे करके मेमोरेंडम सरकार देगी। मान समझिए, सीधे ये बात है कि कुलाधिपति विश्वविद्यालय के मामले में सुप्रीम बॉडी है। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिस तरीके से बीएसएससी सीजीएल 3 की प्रश्न पत्र का लीक हुई इसको लेकर उन्होंने तमाम बातें क्लियर कर दी। वहीं उन्होंने यह साफ कहा है कि जांच का यह विषय है और जांच जो है वो हो रही है, जो भी संलिप्त इसमें दोषी पाएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं बता दें आपको कि बीएसएससी सीजीएल 3 की जिस तरीके से 2014 में परीक्षा हुई थी, उस वक्त भी जो है प्रश्न पत्र लीक हो गया था, लेकिन देखा जाए तो अब जाकर 8 साल हो गए हैं, 8 साल बाद जो है बीएसएससी का एग्जाम लिया जा रहा है, और वहीं सीजीएल 3 का जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है, कल दोनों पालियों में प्रश्न पत्र लीक हो गया। सबसे बड़ा यह सवाल है, सरकार अगर दावा करती है तो उनका दावा फेल क्यों नजर आता है? अगर सरकार यह कहती है कि हम पारदर्शिता के साथ परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि कहां तक यह सही है, पारदर्शिता की जिस तरीके से सरकार बात करती है कहां तक उनका पारदर्शिता देखने को मिलेगा। लेकिन चंद्रशेखर यादव जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि कार्रवाई होगी, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, तो वहीं उसको जेल भेजा जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।